गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रुतिकल एंटरटेनमेंट। और आज हम करने वाले हैं सरोजनी नगर का ब्लॉग। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैंने राइड बुक कर लिया। मैं ऑटो से जा रही हूँ, आपको बताऊँगी कि कैसे कैसे मैं गई सरोजनी नगर। जो कि नए हैं, जिनको नहीं पता है, तो उनके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो आप साथ में बने रहिए। आपको पूरा मार्केट मैं दिखाऊँगी और हो सकता है कहीं कहीं वॉइस ओवर करना पड़े, क्योंकि वहाँ पर बहुत क्राउड होता है, बहुत आवाज़ें होती हैं, आपको मेरी आवाज़ क्लियरली नहीं सुनाई देगी। ऑल दो मैं माइक से ट्राई करूँगी कनेक्ट करने का, बट कहीं जगह पे वॉइस ओवर्स भी होंगे। सो आपको चलिए आज सरोजनी नगर मार्केट ले चलते हैं, कुछ शॉपिंग भी करेंगे और आके आपको उसका शॉपिंग भी दिखाऊंगी, कि शॉपिंग हॉल भी दिखाऊंगी कि मैं सरोजनी से क्या क्या लेके आई हूँ। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करिए चलते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ अपनी जर्नी गुड़गांव से कापासेड़ा बॉर्डर तक। कापासेड़ा बॉर्डर पे जो है वहाँ से दिल्ली के ऑटो मिल जाते हैं, तो मैं वहाँ जो है दिल्ली के ऑटो ले लूँगी। तो यहाँ पे जो है मैंने कापासेड़ा से ऑटो ले लिया था, और ऑटो वाला 350 भी बोलते हैं, लेकिन गाइज 270-280 से ज़्यादा नहीं देना है। तो अभी हम सरोजनी बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। यहाँ हम पहुँच गए हैं अपने सरोजनी नगर, और सरोजनी नगर के साथ ही जो है बाहू मार्केट भी पड़ता है। तो मैं पहले थोड़ा सा बाहू मार्केट को एक्सप्लोर करूँगी, आपको दिखाऊँगी, और उसके बाद हम सरोजनी जाएंगे, जो कि उसके बिल्कुल जो ये स्टेयर्स आपको दिख रही है उसके अपोजिट है। यहाँ मैंने शॉपिंग अब जो है कि स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे बाहू मार्केट स्टार्ट होने से पहले ही ये कॉस्मेटिक का स्टोर मुझे दिखा, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोकल कॉस्मेटिक्स कभी यूज़ ना करें, एटलीस्ट अपने फेस पे तो बिल्कुल रिस्क ना लें। और उसके साथ ये कुर्तियाँ आपको दिख रही होगी, 350 की कुर्तियाँ थी, जो कि बहुत अच्छी कुर्तियाँ थी, बहुत स्मार्ट सी कुर्तियाँ थी, मुझे बहुत अच्छी लगी और काफ़ी अच्छा स्टफ था उनका। यहाँ पे आपको कुछ डेकोरेशन का सामान देखने को मिलेगा, जो कि बहुत मुझे प्यारे प्यारे से पॉट्स दिख रहे थे, और उसके साथ ही आपको यहाँ पे कुछ रिंग लाइट्स वगैरह भी देखने को मिलेगी, पर्सेस की सेल देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो पर्सेस थे ये 200 के थे सभी, और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे टी शर्ट्स की सेल लगी हुई थी, जो कि 250-300 की टी शर्ट्स थी, 150 की भी टी शर्ट्स थी, सो 100 की भी टी शर्ट्स थी। आपको दिख रहा होगा कि सेल प्राइस 100 रुपीज़ की, यहाँ पे 150 के टॉप्स थे। टॉप्स की क्वालिटी बाहू मार्केट में मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बट इनमें से कुछ 2-3 टॉप्स थे जो मुझे ठीक लगे। मैं देख रही थी टॉप्स, बट मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि जो मैं आपको दिखा सकूं। इतने इम्प्रेसिव से टॉप्स नहीं, टॉप्स की मुझे इतना जो स्टफ़ था वो इतना खास नहीं था, तो मुझे इसके लिए मैं कुछ थम्स अप नहीं देती हूँ, कोई इतना खास नहीं मुझे यहाँ पे दिखा। 1-2 टॉप्स अच्छे थे, बट आप अगर देखना चाहें कुछ घर पहनने के लिए, यस, आप उसके लिए इधर से ज़रूर बाय कर सकते हैं। यहाँ पे वॉल हैंगिंग्स मुझे बहुत अच्छी दिखी, डेकोरेशन मटेरियल बहुत अच्छा था। उसके साथ में ही एक यहाँ पे 250 का विंटर्स का कुछ स्टॉक आया था, जो कि कुछ कुर्तियाँ थी, और ये रोलिंग पिन्स, बहुत प्यारे प्यारे की चेन्स, वॉल डेकोरेशंस, यहाँ पे 50 रुपीज़ के टॉप्स मिल रहे थे, जिनकी क्वालिटी मुझे इतनी बुरी नहीं लगी। मतलब ठीक थे, फिर 50 रुपीज़ में आपको क्या ही मिलता है यार, बट 50 रुपीज़ की क्वालिटी सही थी। 100 रुपीज़ के भी टॉप्स थे। ये 50 रुपीज़ में से शीन ने एक टॉप निकाला था जो कि मुझे अच्छा लगा, थोड़ा विंटेज लुक दे रहा है। और ये कुछ टॉप्स थे जो कि बस अब समर कलेक्शन क्योंकि ख़त्म हो रही है, तो ये कुछ टॉप्स थे। इनमें से एक टॉप मुझे पसंद आया था, जो कि था ये वाला, ब्लू एंड ग्रे की स्ट्राइप्स थी जिसमें, वो मुझे पसंद आया था, बट फिर मैंने फाइनली, मेरा मूड नहीं बना, मैंने लिया नहीं वो वाला टॉप। और भी काफ़ी यहाँ पे टॉप्स थे, कुछ कुर्तीज़ भी यहाँ पे मुझे देखने को मिली, और ये वाला टॉप था जिसपे मेरा मन आया था, लेकिन फिर मैंने इसको लिया नहीं। पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था, फिर मेरा मन हुआ कि नहीं लूँ। ये 100 रुपीज़ के यहाँ पे स्वेटर्स थे, एंड वूलन स्टफ़ की कुछ चीज़ें आई थी जो कि 150-100 में थे। ये 150 के ट्राउज़र्स थे जो कि यूनिसेक्सुअल थे, मुझे ये बहुत अच्छे लगे, लेकिन फिर हम ऑलरेडी, हमारे पास पड़े थे तो हमने नहीं लिए, बट आप लोग ये ले सकते हैं, क्वालिटी अच्छी थी, बहुत अच्छी क्वालिटी थी। 150 के ट्राउज़र्स कोई मैं कहूँगी ख़राब नहीं थे, बहुत अच्छे थे, कहीं कुछ नहीं था। ये एक शीन ने स्कर्ट देखी थी जीन्स की, ये भी 150 की ही थी, और ये मुझे बहुत
पसंद आए। यहाँ पे बच्चों की फ्रॉक्स आपको देखने को मिलेगी और कुछ मतलब यहाँ पे बच्चों की ही गर्ल्स ड्रेसेस हैं। मोस्टली आपको पता है सरोजनी लड़कियों का ही हब है, तो यहाँ पे आपको गर्ल्स की ड्रेसेस ही देखने को, छोटे बच्चों की फ्रॉक्स वगैरह देखने को मिलेंगी और आप ले सकते हैं। बट मुझे इतनी कोई खास पसंद नहीं आई, बट लोग अच्छे से ले रहे थे। ये अब हमने शुरू कर दिया सरोजनी नगर मार्केट को एक्सप्लोर करना, और ये एक्चुअली एग्जिट है सरोजनी नगर का जो बाहू मार्केट और सरोजनी मार्केट के बीच में पड़ता है। और यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में जीन्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी, और साथ में अगर आपको भूख लगी हो तो फूड पॉइंट भी यहाँ पे है, आप बर्गर टिक्की व्हाटएवर गोलगप्पे मोमोज सब कुछ खा सकते हो। और फूड क्वालिटी भी अच्छे है, और साथ में वहाँ पे आपको पाव भाजी भी मिल जाएगी। ये एक जूती, जिनको पंजाबी जूतीज पसंद है या फिर कुछ ट्रेडिशनल लुक में जूतीज या फुटवेयर पसंद है, ये स्टॉल अच्छा था। इधर अच्छी जूतियाँ मुझे देखने को मिली, ये स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएंगी। और अब ये ज्वेलरी का स्टॉल था जहाँ से मैंने कुछ परचेजेस की हैं जो कि मैं आपसे कल शेयर करूँगी। ये चोकर था जो मुझे पसंद आया था, इसमें ग्लासेस लगे थे और आई लाइक दिस चोकर, बहुत अच्छी क्वालिटी थी और बहुत रीजनेबल प्राइस, 100 रुपीज़ का सारे चोकर्स ये दे रहे थे और नेक पीसेस सब 100 रुपीज़ का मिल रहे थे। अगर आप दो लेते हो तो वो आपका प्राइस कम भी कर देंगे। एयरिंग्स की कलेक्शन भी यहाँ पे अच्छी है, बोहिमियन एयरिंग्स थी, बहुत अच्छी कलेक्शन थी, जस्ट 50 रुपीज़ ईच, 30 रुपीज़, 50 रुपीज़ इतने में ही सब कुछ मिल रहा था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। ये ब्रेसलेट था जो कि शीन को पसंद आया था, बट हमने फिर फाइनली नहीं लिया इसको। ये कुछ पर्ल के इयरिंग्स थे, कुछ आपके उस शेल के इयरिंग्स भी देखने को, बहुत सारी वैरायटी है। ये एक और चोकर था जो मुझे पसंद आया था, एंड ये एक नेक पीस था जो हमें पसंद आया था, और उसके साथ साथ डिफरेंट कलर के भी इयरिंग्स हैं अगर आप लेना चाहते हैं। बहुत सारी कलेक्शन है जो कि आप ले सकते हैं इन आप। ये एक और स्टॉल था वहाँ पे, 350 रुपीज़ की कुर्तियाँ मिल रही थी यहाँ पे, बट हमने कुछ ट्राई किया बट कुछ समझ नहीं आया। यहाँ पे हमने अपनी ज्वेलरी जो है वो पैक करवा ली थी, जो थोड़ी बहुत हमने परचेज़ की थी, तो जस्ट 30-50 का ही सब था। यहाँ पे फिर से हम ट्राई करने गए थे, हमने सोचा कि शायद हमारा कुछ माइंड बन जाए, जो कि फाइनली बना नहीं। शीन इज़ ट्राइंग, हम कुछ चिकन में देख रहे थे। यहाँ पे शीन ने जीन्स ट्राई करी थी, जीन्स बहुत अच्छी थी, जस्ट फॉर 200 रुपीज़, विच इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट आई विल से। और यहाँ पे कुछ ड्रेसेस भी थी। यहाँ पे पॉल शूज़ के सामने ही आपको एक स्टॉल मिल जाएगा 100 रुपीज़ के टॉप्स का, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टॉप्स थे। टॉप्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, उनका स्टफ़ बहुत अच्छा था। मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि 100 में इतने अच्छे टॉप्स का स्टफ़ आपको मिल जाएगा। आप इसको एज क्रॉप टॉप्स भी डाल सकते हैं, शॉर्ट टॉप्स भी डाल सकते हैं। और यहाँ से हमने कुछ परचेज़ किया था जो कि मैं कल आपसे शेयर करूँगी, एंड ये 100 रुपीज़ का यही सेम स्टॉल था जो कि बहुत। यहाँ पे ये फ़ोन कवर्स का स्टॉल था जो कि इधर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे वैरायटी देखने को मिली, और हमने यहाँ से एक फ़ोन कवर भी लिया था जो कि बाद में शीन के कवर में फिट नहीं हुआ। ये 100 रुपीज़ की स्वेटर्स थी जो कि बहुत अच्छा मुझे स्टफ़ लगा, बहुत वैरायटी थी यहाँ पे। यहाँ पे हम पर्सेस देख रहे थे जो कि 350 में सारे पर्सेस थे। मुझे ये ब्लैक वाला अच्छा लगा था, थोड़ा विंटेज सा लुक दे रहा था। वो 350 बोल रहा था, मैं 200 उसको बोल रही थी, लेकिन वो लास्ट में माना नहीं। बट अभी हम सोच ही रहे थे, बट फाइनली हम लोगों ने फिर इसको लिया ही नहीं। आपको यहाँ पे 100, 150, 50, 200 के बहुत अच्छी क्वालिटी के टॉप्स मिल जाएंगे, 150 के, 100 के ड्रेसेस, 200 की भी यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी। 50 रुपीज़ के ये वूलन का कुछ स्टफ़ था, और 100 रुपीज़ के यहाँ पे बच्चों के भी कुछ स्वेटर्स वगैरह मुझे देखने को मिले थे, जिसमें कुछ पीसीस, हाँ अच्छे पीसीस भी इसमें थे जो कि आप अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं। 150 का भी यहाँ पे तो यहाँ पहुजा शॉप नंबर 19 के सामने आ गई हमारी मशहूर ग्रिफिटी लेन, जो कि अब उतनी शानदार नहीं है जैसे कि पहले हुआ करती थी कोरोना टाइम से पहले। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर कीरिंग्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, शो पीसीस भी होंगे। ये भैया मुझे सॉक्स बेच रहे थे और मैंने लिए नहीं। 100 रुपीज़ के यहाँ पे जीन्स मिल रहा था, लेगिंग्स मिल रही थी, पुलोवर्स मिल रहे थे, और यहाँ पे आपको 150 के यहाँ पे शॉर्ट टॉप्स, क्रॉप टॉप्स भी मिल रहे थे जो कि क्वालिटी वाइज अच्छे थे, नॉट बैड। और यहाँ पे चलते चलते अब यहाँ पे आ गए हम साड़ी की मार्केट में, जहाँ पे शिव साड़ी बाज़ार है, जय सायरा है। यहाँ पे अगर आप ड्रेस मटेरियल, साड़ी सूट्स अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको ले सकते हैं।
यहाँ पे सूट्स की क्वालिटी, साड़ी की क्वालिटी अच्छी होती है। यहाँ पे आपको ये मेकअप बॉक्सेस भी मिल जाएंगे, शेविंग किट्स मिल जाएंगे, ये मिरर से बनाए हुए जो हैंडमेड मिरर्स होते हैं। जीन्स की काफ़ी बड़ी मार्केट है सरोजनी की, आपको पता है। यहाँ पे इस शॉप पे हम कुछ डंगरीज शॉर्ट्स वगैरह देख रहे थे जो कि हमें इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं लगी, तो हमने यहाँ से परचेज़ नहीं किया। ये 200 के नाइट सूट्स थे, अपर एंड लोअर बोथ, जो कि ठीक थे समर के लिए और ठीक क्वालिटी के भी थे। ये 200 की स्वेटर्स हैं जो कि जेंट स्वेटर्स थी, जो कि जिसकी क्वालिटी ठीक थी और यहाँ पे आके हमें प्यास लगी थी, हम कुछ पीना चाहते। यहाँ पे मैंने ये भैया को कैप्चर इसलिए किया है, एंड आई वांट टू मेंशन कि मैंने ऐसे हम चलते चलते मजाक किया, ये कहते हैं ना ले लो मैम ले लो, तो मैंने ये सॉक्स बेच रहे थे, मैंने इनको बोला, जब इन्होंने मुझे ऐसे किया कि ले लो, तो ना मैंने इनके सॉक्स पकड़ लिए, मैंने बोला ओके दे दो, तो इन्होंने ना मैंने बोला ठीक है फ्री में दे दो, तो इन्होंने मेरे को सॉक्स ना ऐसे आगे कर दिए, कहते हाँ मैम ले लो, अब मेरे पास ये भी है, आप मेरे पास ये हैंकीज है, आप ये भी ले लो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इस वजह से मैंने इनको ना स्पेशली कवर किया अपनी वीडियो में। यहाँ पे जस्ट लेडी के सामने ही ये भैया बांटा बेच रहे थे, जिसको हम लेमन वाटर भी बोलते हैं, तो हमें प्यास लगी थी हमने पिया, और उसके बिल्कुल अपोजिट, जस्ट लेडी के अपोजिट ही कुछ स्टॉल्स लगे थे जहाँ पे 100 80 150 200 की स्वेटर्स थी, 100 की ये स्वेटर्स थी, 80 की स्वेटर्स थी, 100 की जो स्वेटर्स थी इनकी क्वालिटी अच्छी थी, और ये 80 वाला स्टॉल था, आप 100 वाला स्टॉल भी देख सकते हो, ये 150 वाला स्टॉल था, यहाँ पे नेल पॉलिशेस भी थी, मैट 50 रुपीस, एंड ये जो शॉप है ये ब्लू बर्ड करके शॉप है, इसके बाहर 80 रुपीस 200 के स्टॉल लगे थे जीन्स के, जीन्स शर्ट्स के, जैकेट्स के, जो कि अच्छी क्वालिटी के थे, शॉर्ट्स भी थे, 200 रुपीस के शॉर्ट्स थे, और शॉर्ट्स हम लोग देखना चाहते थे, तो फिर हम इस शॉप के अंदर गए, भैया हमें अंदर ले गए, ब्लू बर्ड इस शॉप का नाम है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ शॉर्ट्स देखे शीन के लिए जीन्स में, और फिर हमने मतलब देखा कुछ, पहले तो कुछ पसंद नहीं आ रहा था, फिर प्राइस ज़्यादा बता रहे थे, तो एक टिप है आपको कि अगर प्राइस ये बताएं आपको 400, तो सीधे सीधे आप स्टार्ट करिए 150 से, तो उससे ज़्यादा नहीं। डंगरीज भी ये बहुत प्यारी थी, जो डंगरीज अभी देखी आपने, बहुत प्यारी डंगरी थी, और इनका जो मुझे जीन्स का स्टफ़ लगा दैट वाज गुड, सेटिस्फैक्ट्री था। तो यहाँ पे शीन अभी जो है यहाँ पे कुछ जी यहाँ पे शॉर्ट्स कुछ देख रही है, उसको कलर पसंद नहीं आ रहा था, बट फिर मैंने फाइनलाइज़ किया, रिप्ड इसको लेना नहीं था, तो रिप्ड शॉर्ट्स क्योंकि जम्मू में हमारे नहीं डाल सकती है, तो रिप्ड शॉर्ट्स उसने नहीं लिए, और फिर फाइनली हमने एक शॉर्ट जो है वो फाइनलाइज़ किया। और इस दुकान में टॉप्स भी बहुत अच्छे थे, ब्लू जीन्स है इस दुकान का नाम, ब्लू बर्ड सॉरी, तो यहाँ पे टॉप्स की क्वालिटी भी जो थी मैंने देखा बहुत अच्छी क्वालिटी थी, तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अगर आप अपने जीन्स की कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं, वेदर इट इज़ टॉप, जैकेट, जीन्स, शॉर्ट्स, डंगरीज और टॉप्स, आप सब कुछ यहाँ पे ले सकते हैं। मुझे लगता है ये वन स्टॉप शॉप है हम सब के लिए, और हम सब जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो लास्ट में फिर फाइनलाइज़ किया शीन ने, और शीन ने एक जो है वो शॉर्ट्स, यहाँ पे अभी भैया से प्राइस का फाइनल डिस्कशन हो चुका था, और हमने फिर यहाँ से शॉर्ट्स ले लिए थे। इसके बाहर ही एक स्टॉल लगा था जो कि जहाँ पे कि 250 का सेट मिल रहा था, अपर एंड लोअर शरारा, और यहाँ पे स्वेटर थी जो कि 100 रुपीज़ की थी, नॉर्मल क्वालिटी थी, बट आप ले सकते हैं डालने के लिए। इस शॉप का इसमें काफ़ी अच्छी स्टफ़ था, बूट्स और बहुत सारी चीज़ें लेने लायक थी, तो आप ये भी एक्सप्लोर। यहाँ पे टॉवल्स थी 150, 200, 250, 300 की, जो कि अच्छी क्वालिटी की थी, और स्पेगेटी 60 रुपीज़ की, जो कि मुझे पसंद। और लास्ट में हमने यहाँ से अपने मास्क के लिए चेंज भी ले ली। गाइस हम लोग आ गए हैं सरोजनी नगर से वापस, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ। बस इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सरोजनी नटशेल में पूरा दिखा सकूँ। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल स्मृति कोल एंटरटेनमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून टू माई चैनल। आपसे मैं मिलती हूँ अगले व्लॉग में। जो अगला व्लॉग होगा वो अब आई थिंक संडे शाम को या रात को आएगा, क्योंकि आई विल बी ट्रैवलिंग ऑन सैटरडे, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं व्लॉग डाल सकूँ। सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय, सायोनारा, जय माता दी।